आज की इस वीडियो में बात करेंगे एस्केप रूम टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस मूवी ट्रेलर के बारे में, या फिर इसका जो दूसरा नाम है एस्केप रूम 2 मूवी ट्रेलर के बारे में बात करूंगा। जब इसकी एस्केप रूम 1 जो थी उसकी अच्छी खासी परफॉर्मेंस रही थी जो 2019 में आई थी, तभी उसका सेकेंड पार्ट आ रहा है। एस्केप रूम जो 2019 में जो मूवी आई थी उसको मैं देख चुका हूं, तो उसका रिव्यू मैं कर दूंगा, आपको एक वीडियो मिल जाएगी, लेकिन उसके बारे में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। इसमें बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इसके एस्केप रूम 2 मूवी ट्रेलर के बारे में, क्योंकि यार मेरे पास भी तो कंटेंट रहना चाहिए ना एक और वीडियो डालने के लिए। खैर मूवी ट्रेलर के ऊपर आते हैं। जहां पर फर्स्ट मूवी खत्म होती है वहीं से शुरुआत होती है सेकंड मूवी की। बेसिकली आप लोगों को ये जो मूवी है इसकी स्टोरी या फिर इसकी थीम बता देता हूं। कुछ लोगों को लेकर इकट्ठा किया जाता है और उनको एक रूम में रख दिया जाता है। वो रूम पूरी तरह से लॉक होता है, उन लोगों को उस रूम से बाहर निकलना होता है। अगर वो नहीं निकलेंगे तो वो मर जाएंगे। अब वो उस रूम से बाहर निकलने के लिए वहां पर कुछ क्लूज दिए होते हैं, उन क्लूज की मदद से हेल्प से उनको बाहर निकलना होता है। वो एक रूम से निकलेंगे फिर अगले रूम में जाएंगे, तो ऐसे ऐसे इस जो मूवी है इसका एक कॉन्सेप्ट चलता है। और जो मैंने फर्स्ट मूवी देखी थी उसके कंपैरिजन में मैं बात करूं इसके ट्रेलर की, तो इसके अंदर ज्यादा डिफिकल्ट और जो कहूं कि ज्यादा खतरनाक चीजें इसके अंदर दिखाई गई हैं। जो डिफिकल्ट टास्क आने वाले हैं इस मूवी के अंदर ऐसा दिखाया गया है। और जो पिछली मूवी के अंदर कुछ लोग बच गए थे जैसे जोई और बेन, वो भी इस मूवी के अंदर दिखाए गए हैं। जो स्टार्टिंग का ही सीन दिखाया जाता है ट्रेन के अंदर जो दिखाया जाता है वो काफी ज्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगा। उसके अंदर ये जो कन्वर्सेशन होती है कि यार तुम भी पहले वाले पार्ट में थे, मतलब कि पहले वाले तुम ये गेम खेल चुके हो, तो वहां पर ये जब कन्वर्सेशन होती है उससे पता चलता है कि जो लोग हैं उसमें पहले वाले में बचे हुए कुछ लोग हैं जो एस्केप रूम वो पहले खेल चुके हैं, उससे बचे हुए जो लोग हैं, तभी तो इस मूवी का नाम रखा गया एस्केप रूम टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस। जो चैंपियंस थे, जो बचे हुए लोग थे, उनको चैंपियंस कहा गया और उन्हीं को फिर से एक जगह फिर से लाया गया। और अब कहा गया बेटा अब फिर से बच के दिखाओ ना। जब आप ये मूवी देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं सो मूवी की याद आ जाएगी। हाँ वो काफी ज्यादा डिफरेंट मूवी है लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट ना सेम है कि उसके अंदर भी इंसान को बचना होता है और इस एस्केप रूम के अंदर भी इंसानों को अपने आप को बचाकर बाहर निकालना होता है। वैसे इस तरीके की जो मूवी होती है उनकी एक बढ़िया बात ये होती है कि इतनी तेज चलती हैं कि भी इनके अंदर ऐसा नहीं है कि हाँ वेट किया तो इसमें ये मर जाएंगे, तो इनको जल्दी जल्दी क्लू ढूंढने होते हैं और अपने आप को बाहर निकालना होता है क्योंकि इनको अपनी जान बचानी होती है। और इस करके हम थोड़ी देर के लिए भी अपनी नजरें स्क्रीन से इधर उधर नहीं कर सकते, हमें देखना होता है कि यार इसने क्या चीज अभी की, क्योंकि इतनी तेज ये चलती है और इस कारण ये हमारा इंटरेस्ट इसके अंदर अच्छे से बना हुआ रहता है और हम इसके पूरी मूवी के दौरान इससे कनेक्ट ही रहते हैं। खैर इस ट्रैप में इनको कौन फंसाता है, क्या उसका रीजन है, वो कौन है, शायद इसका जवाब इसके सेकंड पार्ट में हमें मिल जाए। और ये मूवी अभी हिंदी ट्रेलर में तो इसको रिलीज नहीं किया गया, मे बी आने वाले टाइम में इसको हिंदी ट्रेलर में अपलोड कर दिया जाए या रिलीज कर दिया जाए और इसको थिएटर्स में रिलीज किया जा रहा है। बहुत सारी मूवीज जो है वो थिएटर्स में आ रही है जो अच्छी बात है, लेकिन पता नहीं कब जाके भारत में जो ये हालात हैं लॉकडाउन के, जो COVID-19 के, वो कब जाके सही होंगे और कब जाके जब सारी चीजें नॉर्मल होंगी, वो तो यार देखो आने वाला टाइम ही बताएगा। अगर आप लोगों ने इसकी फर्स्ट मूवी देख रखी तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसे लगी और इसका ट्रेलर आप लोगों को कैसा लगा, आप क्या कंपैरिजन कर रहे हो, आपको क्या चीज पसंद आई क्या चीज पसंद नहीं आई। और अगर जिन्होंने नहीं देखी तो जाकर एस्केप रूम 1 देख लेना, काफी ज्यादा अच्छी मूवी है, उसके बारे में अलग से बात कर लूंगा, यही बात नहीं करते हैं। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।